नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि एक परमानेंट वैकेंसी है, ओके। और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जो वैकेंसी निकाली गई है टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा, तो जो टाटा मेमोरियल सेंटर्स है इसके ऑल इंडिया के अंदर 7 सेंटर्स है, जो कि इसके अंदर 2 तो मुंबई के अंदर है, एक विशाखापट्टनम, एक पंजाब गुवाहाटी, 2 वाराणसी के अंदर, ओके। तो टोटल 7 इसके अंदर सेंटर्स होने वाले हैं, जिसमें से आज जिस वैकेंसी जिसके अंदर परमानेंट वैकेंसी आई है वो है नेवी मुंबई, ओके। इसके अंदर आज एक परमानेंट वैकेंसी निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस खुलने वाला है। या आपको जो घेरे में आपको साइट दिखाई दे रही है इस पर आपको गूगल के अंदर सर्च कर लेना है, और इस जो नोटिफिकेशन है इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो जो कैरियर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस खुलने वाला है। इसके अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट वाला, जिसमें पोजीशंस अवेलेबल नॉन मेडिकल पोस्ट, ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। धीरे धीरे साइड में स्क्रॉल करना है, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, 7 जुलाई 2020 लास्ट डेट है इसकी, 7 अगस्त 2020। तो यहाँ से आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर ये इंटरफेस खुलता है, इसमें भी यही दिया गया है, 7 जुलाई 2020, 7 अगस्त 2020, ओके। और यहाँ से आपको इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी जो भी टर्म कंडीशंस है सारी डिटेल से बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैकेंसी को निकाला गया टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा, और नेवी जो मुंबई है इसकी ये वैकेंसी होने वाली है, परमानेंट वैकेंसी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2020 को रिलीज किया गया है, ओके। और ये इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए गए हैं। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी पोस्ट है और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस रखी गई है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, और एज लिमिट इसके अंदर क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं नर्स ए ग्रेड फीमेल की वैकेंसी के बारे में। इसमें जो अगर जनरल की पोस्ट बात करें तो जनरल की 8 पोस्ट है, ओबीसी की 8 है, एससी कैटेगरी की 4 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट है, एंड पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट होने वाली है। अगर लेवल ऑफ पे इन द पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल सीपीसी के आधार पे इसमें सैलरी मिलने वाली है। बेसिक सैलरी इसके अंदर 44,900 लेवल 7 के आधार पे प्लस अलाउंसेस आपको इसमें मिलने वाला है, और 4600 ग्रेड पे इसके अंदर रहने वाली है। अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो 30 ईयर इसकी अपर एज लिमिट है, और क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो जीएनएम के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ओके। और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स है उनके लिए भी इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो मतलब इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकता, और कोई सा भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो अप्लाई कर सकता है। लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है, टाटा मेमोरियल सेंटर्स जो नेवी मुंबई के अंदर होने वाला है, इसके अंदर आपकी वैकेंसी जॉब लोकेशंस होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्स ग्रेड ए, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ओके। जिसके अंदर जनरल की 7 पोस्ट है, ओबीसी की 5, एससी कैटेगरी की 4, एसटी की 2 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट होने वाली है। वही इसके अंदर लेवल पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी के आधार पर 9,300 से 34,800 ग्रेड पे है। इनिशियल पे 44,900 है, प्लस जो आपका अलाउंसेस है वो भी इसमें मिलने वाला है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें 30 ईयर इसकी एज लिमिट है, और जो क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस वही इसमें जीएनएम के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसके लिए भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, और कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन इसमें चल जाएगा, मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जो भी कंडीशंस दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
कंडीशंस इसमें बहुत दी गई है, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या करना है कि जो एप्लीकेशंस फॉरम है उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद में आपको सेंड भी ऑफलाइन भी सेंड करना है, जिसका मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो लास्ट डेट मैंने जैसा कि आपको बताया 7 अगस्त 2020 शाम को 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आप 7 दिन के अंदर 14/8/2020 तक आप सेंड करना ज़रूरी है, तभी आपका इसमें फॉरम एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल है उसी आधार पे इसमें भी एज रिलैक्सेशन रखा गया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसके अंदर जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 300 डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन डिपॉजिट करना है। ओके, और जो ST SC फीमेल कैंडिडेट्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो फ्री में रखी गई है। ओके, कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको इसमें देना नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसका जो एप्लीकेशन फॉरम आपको किस एड्रेस पे सेंड करना है, तो इसको आपको स्किप करना है, वीडियो को स्किप नहीं पॉज करना है, और जो आपको घेरे में एड्रेस दिखाई दे रहा है इसको आपको सेंड इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। ओके, तो ये इसका एड्रेस होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो एप्लीकेशन फॉरम है वो आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है, नहीं तो आपका फॉरम रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट फॉरम जो वैकेंसी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद फ्रेंड्स।